हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तो आज की इस छोटी सी वीडियो से आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। छोटी सी वीडियो है और 6 नंबर पक्का होगा। कल आपका अगर 16 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है तो इस वीडियो से आपका 6 नंबर पक्का है। 100% कह रहा हूँ ना कि आप पेपर देकर आइएगा और इस वीडियो को चेक करके देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए मिलेंगे। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डेली आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स सारे सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। देख सकते हैं महत्वपूर्ण पत्र लेखन दो ही बताऊंगा, लेकिन 100% प्योरिटी के साथ क्वेश्चन ये पेपर में आएंगे। देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन इसमें कि अपने गांव या मोहल्ले की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। और देख लीजिए कितने बार क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, 2022 के भी बोर्ड एग्जाम में आए थे, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, और इस बार भी काफी चांस से ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे। सिंपल तरीका मैं बताऊंगा कैसे लिखेंगे, मात्र इस वीडियो को देख लीजिए पूरा, आपको एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में छाप कर आएंगे 16 फरवरी को। देखिए दूसरा जो बताने जा रहा हूँ, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए शिक्षा माने हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। और ये भी क्वेश्चन 2022 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17, 13, 12, 11, 10 इतने बार पूछा गया है, तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले नंबर, अपने गांव की मोहल्ले की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखन पर, इस पर पहले बताता हूँ, इसके बाद ठीक दूसरा नंबर बताऊंगा। दोनों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैसे लिखना है इसका जो रूल है आप समझ लीजिए कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए यहां से देखिएगा, एक एक चीज हम आपको समझा देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो कल, ठीक है ना। अपने गांव की सफाई के लिए संबंधित अपने अधिकारी को एक पत्र लिखना होता है, इसी तरीके से आता है। तो देखिए किसी भी आप पत्र लेखन को लिख रहे हैं तो उसमें मेन चीज क्या होता है इस वीडियो में समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको पत्र लिखने में क्या लिखेंगे, सेवा में, एक लाइन में लिखेंगे सेवा में, फिर कमा लगा के उस लाइन में नहीं लिखना है, नीचे आ जाना है, इसके शब्द से आगे ठीक यहाँ से लिखेंगे सेवा में, कमा लगा के नीचे लिखेंगे अधिशासी अधिकारी, क्या लिखेंगे अधिशासी अधिकारी, क्या लिखेंगे नगर पालिका प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से आपको भी छाप कर आना है। अब यहाँ से मेन किसी भी पत्र लेखन में विषय होता है, आपको इसको क्या लिखना है कि किस विषय पर यह पत्र आप लिखे हैं। तो देखिए अपने मतलब मोहल्ले की गंदगी दूर करने हेतु, मोहल्ले में जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए मैंने पत्र लिखा है। इसी तरीके से आपको भी विषय काला पेन से लिखना है बोर्ड एग्जाम में कि किस विषय पे पत्र लिखा गया है, तो आप मोहल्ले की गंदगी दूर करने हेतु ऐसे लिख लेंगे ना। इसके बाद चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, महोदय लिखेंगे फिर कमा लगा देंगे, महोदय लिखने के बाद क्या लगाएंगे कमा लगाएंगे और लिखेंगे कि मैं आपका ध्यान अपने शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। लिख लेंगे इतना ना, कैसे लिखेंगे कि मैं आपका ध्यान अपने शहर में व्याप्त मतलब पूरा भरा हुआ है गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, इतना हो जाएगा ना। इसके बाद क्या लिखेंगे, जिस स्थान पर नालियाँ बनाई गई हैं, जिस स्थान पर नालियाँ बनाई गई हैं वहाँ पर उनकी सफाई के लिए कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है, वहाँ पे कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है और नालियाँ जगह जगह पर, यहाँ जगह जगह है दो बार लिखा हूँ, जगह जगह पर टूटी हुई है। अब इसके बाद परिणाम पानी हर जगह समय से सड़ता रहा है, मतलब इसका परिणाम यही आ रहा है कि जहाँ जहाँ पानी ठहरा हुआ है वहाँ पर पानी सड़ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सधन्यवाद, सधन्यवाद मतलब हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि अतः आपसे निवेदन है कि, क्या लिखेंगे अतः आपसे निवेदन है कि इस दुर्दशा को देखते हुए, इस दुर्दशा को देखते हुए शहर की सड़कों की समस्त और गंदे पानी के निवास के लिए उचित, यहाँ पर निवास नहीं है निकास है, ठीक है निकास, यहाँ पे निकास के लिए उचित व्यवस्था करने की कृपा करें। तो इतना आपको लिखना है। अब मेन चीज इसमें ये है कि जिस दिन आपका पेपर है हिंदी का पत्र लेखन, अगर ये आ गया तो 16/2/2023 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। और भवदीय में अपना नाम नहीं लिखना है, बहुत सारे बच्चे भवदीय में अपना नाम लिख देते हैं, तो ये गलती नहीं करना है, अलाउ नहीं है बोर्ड एग्जाम में लिखना नाम। भवदीय में अ ब स लिख के प्रयागराज उत्तर प्रदेश इस तरीके से लिख देंगे, समझ में आया ना। अच्छे से इसको पढ़ के जाना, ये अपने गाँव की
मोहल्ले की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखने के लिए पेपर में 100% आएगा। तो इसी तरीके से आप छाप कर आइएगा कि सेवा में अधिकारी अधिशासी नगर पालिका प्रयागराज उत्तर प्रदेश एड्रेस सबसे ऊपर रहेगा और तब से विषय जरूरी है। सबसे पहले विषय के बाद से अपना निवेदन स्टार्ट करिएगा। विषय में मोहल्ले की गंदगी दूर करने के लिए लिख रहे हैं, इसके बाद तो मैंने आपको पढ़ के समझा ही दिया, अच्छे से लिखिएगा। इसके बाद दूसरा है हमारा पत्र, यहाँ पे लेखन भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु शिक्षा यानी कि शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, इस पर पेपर में आता है। तो देखिए किसी बैंक से आप ऋण ले सकते हैं, पढ़ाई करने के लिए मिल जाता है, तो उसके लिए पत्र कैसे लिखा जाता है, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नंबर सेवा में स्टार्ट करेंगे। सेवा में लिख के यहाँ पे कमा लगा के इस लाइन को छोड़ देंगे, फिर नीचे लिखेंगे शाखा प्रबंधक महोदय, इसको लिखेंगे शाखा प्रबंधक महोदय, कमा लगा देंगे। केनरा बैंक लिख सकते हैं या भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी बैंक से लोन लेंगे या ऋण लेंगे तो यहाँ पर नाम लिखेंगे जिस टॉपिक पे आ जाता है। तो केनरा बैंक से ले रहे हैं या स्टेट बैंक से भी ले रहे हैं तो यहाँ पे स्टेट बैंक लिखेंगे, कोई भी बैंक लिख सकते हैं, शहर शाखा मेरठ, ठीक है ना, इतना एड्रेस लिख लेंगे। अब विषय मेन होता है इससे, किसी भी पत्र लेखन में विषय जरूर डालिएगा और वो भी काला पेन से, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। यहाँ पे देखिए अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु, ऋण प्राप्ति हेतु यहाँ पे देखिए महोदय लिखेंगे, फिर कमा लगा देंगे कि मैं विकास कुमार जैन ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से बीएससी परीक्षा प्रथम श्रेणी में 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, मैंने पास की है, इतना लिख लेंगे ना। अब देखिए मैंने एमबीए द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, इसके बाद और साथ ही साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखेंगे कि मेरा अध्ययन अबाध चलता रहे, मेरा मतलब कि कोई भी रुकावट ना आए, इसके लिए मुझे कितने इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख यानी कि 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। मुझे पता चला है कि आपके बैंक की आपने अब अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। इतना चीज़ें आपको साफ साफ लिखना है, किया जाता है। अब लिखा है कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि क्या करेंगे कि आपके द्वारा प्रदत्त ऋण की भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी और उपर्युक्त उद्देश्य हेतु आपकी सक्रिय सहयोगी यानी सहयोग की अपेक्षा है, मतलब जरूरत है। अब यहाँ पे दिनांक लिखेंगे जिस तारीख को आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए कि 16 तारीख को दूसरा महीना में 2023 में एग्ज़ाम है तो ऐसे लिख लेंगे ना अच्छे से। यहाँ पे भवदीय लिखा होता है, भवदीय में लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे अ शब्द लिख देंगे, अ लिखेंगे, ब लिखेंगे, कमा लगा के स लिख देंगे, इसी तरीके से आप लिख देंगे। अब तब से इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, पत्र लेखन में कहीं भी दिक्कत हो तो आपको यहाँ से मैंने तरीका बता दिया कैसे लिखना है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें दो ही बनाया हूँ लेकिन ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर कल दे कर आइएगा और देखिएगा ये वीडियो तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि हाँ सर आप जो बताए थे वही क्वेश्चंस आए हैं इस वीडियो में। तो अपने मोहल्ले या गाँव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए, इस पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र की इस पर लिखिए, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हो रही है, देखिए 2022 का ये पेपर DU 302 कोड का, इसके बाद देखिए यहाँ पे 2020 का 302 ZK कोड का ये पेपर है, दिख रहा है ना। इस पेपर का पूरा फुल सोल्यूशन आज ही शाम को वीडियो आ रही है, पूरा एक ही वीडियो में पूरा सोल्यूशन करके, या 302 DP कोड का ये भी देख रहे हैं सामान्य हिंदी, इन सारे पेपर्स को अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं आज की वीडियो जो आ रही है उस वीडियो में अगर तैयारी कर लेते हैं तो समझिए कि आप हिंदी में फोड़ कराएंगे 95+, कोई नहीं रोकेगा। तो ये क्या चाहते हैं कि इसका पूरा फुल हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करें, तो अगर चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को इसको लाइक कर देना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पेपर का ही सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं।
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए 2020 का पेपर दिख रहा है ना, इसमें जो 30% सिलेबस कट गया है 30% वो भी हम बताएंगे कि इसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं इस बार करना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये तो गद्य पद से क्वेश्चन से बहुविकल्पी में, लेकिन यहाँ पे देखिए निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी होती, इस गद्यांश को हटा दिया गया, मतलब इस चैप्टर के जो गद्यांश हैं उस चैप्टर को हटा दिया है, 30% जो सिलेबस कम हुआ उसमें तो उसको हटा दिया है। तो इस बार समझिए कि इसको नहीं करना है। तो इस पेपर में मैं समझाऊंगा पूरे क्वेश्चंस को, तो क्या आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं पूरे फुल सोल्यूशन के साथ इन सभी पेपर्स को एक ही वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शाम को ये वीडियो आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।